हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम सीखेंगे सिंपल तरीके से नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग। और ये मेरे पास कपड़ा है, देखिए फ्रेंड्स, 3 मीटर ये कपड़ा है मेरे पास। जो चौड़े पने का कपड़ा आ रहा है आजकल, तो वो कपड़ा था ये। तो इसमें से हम सिंपल नाइट सूट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हिप साइज यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और उससे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए लेंथ हमने यहाँ पर इसकी रखनी है 30 इंच, और इसका तीरा रखेंगे हम 6.5 इंच, चेस्ट रहेगी 17.5 इंच, और कमर इसकी है 14 इंच, और हिप साइज इसका रहेगा 18.5 इंच, ठीक है। तो ये कुर्ती का मेजरमेंट है। और स्लीव्स इसकी रहेंगी 20 इंच, फुल स्लीव्स रहेंगी, और इस स्लीव्स की गोलाई रखेंगे 4 इंच। और पजामे का मेजरमेंट रहेगा यहाँ पर, लेंथ रहेगी 38 इंच और हिप साइज 19 इंच है। और इसकी जो बॉटम रखेंगे खुला, यानी कि पजामे को जो मोहरी खुली रखेंगे, वो 8 इंच रखेंगे। तो ये जो मेजरमेंट है, ये कुर्ती का मेजरमेंट है फ्रेंड्स। इसमें कितनी लूजिंग देनी है हमने, वो आप कटिंग करते समय समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है एक साइड से, और जितना हमारा हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करते हैं और मार्जिन ऐड करके। तो इसमें हमने कितना कपड़ा लेना है वो देखिए, देखिए कुर्ती के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 10 इंच पर मार्क लगा लिया है। तो अगर आप नाइट सूट बना रहे हैं तो इसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो 11 इंच पर मैंने ये इस तरीके से मार्क लगा लिया है, ठीक है। और अब यहाँ से हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ हमने लेनी है 30 इंच, रेडी रखनी है। तो आप यहाँ पर इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, 1/2 इंच हमारा शोल्डर पे जाएगा और आप 1 इंच नीचे फोल्डिंग में लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखिए, इस तरीके से कपड़े को हमने सेट कर लिया है और ये फ्रंट पार्ट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, कटिंग हमने कर लिया है। अब हमने जो दूसरा पार्ट है उसकी भी कटिंग करनी है, उसको भी हमने इसके बिल्कुल सामने से ही निकालना है। तो ये इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे, और इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, ये देखिए। बाकी कपड़ा हम साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पर मार्किंग करते हैं टॉप की। तो यहाँ पर देखिए, 6.5 इंच हमारा यहाँ पे तीरा हमने लिख रखा था मेजरमेंट में, तो हम यहाँ पर लेंगे 7 इंच, 1/2 इंच इसमें बढ़ाकर लेंगे, ठीक है, ताकि जो है हमारा नाइट सूट कंफर्टेबल रहे। और जो हम आर्म होल लेंगे 7 इंच। और अब यहाँ पर फिटिंग की हम मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग की मार्किंग हमारी यहाँ पर रहेगी 8.5 इंच है। तो अब हमने यहाँ पर भी 1/2 इंच बढ़ाकर लेना है, ठीक है। जितनी भी आपका मेजरमेंट हो कुर्ती का, उसमें से आप 1/2 इंच बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे इंच टेप रखेंगे और कमर के लिए लगाएंगे वही 7 इंच पर, और हिप साइज के लिए लगाएंगे जितना आप रखना चाहें कम ज्यादा। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच लगाया है, रेडी हमारा 13.5 इंच रह जाएगा। अब कमर के लिए लगाया है हमने, 7 इंच थी हमारी कुर्ती की कमर, तो हमने यहाँ पर 7.5 इंच ले लिया है। और हिप साइज में भी हमने इसी तरीके से 1/2 इंच बढ़ाकर मार्क लगा लिया है, और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग हो गई है। आर्म होल की गोलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ज्यादा गोलाई हमने इसमें नहीं डालनी है, बिल्कुल हल्की सी इसमें गोलाई देनी है, फ्रंट की भी और बैक की भी। और शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे और यहाँ से कटिंग कर देते हैं। तो ये लीजिए, कटिंग हमने कर दिया है। फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे यहाँ पर। और अब हम यहाँ पे नेक की यहाँ पर मेजरमेंट कर लेते हैं। तो फ्रंट नेक हम यहाँ पर लगा रहे हैं मार्किंग फ्रंट नेक की। तो यहाँ पर देखिए, विड्थ 2.5 इंच लेंगे हम, और इसकी लेंथ लेंगे 5 इंच, ठीक है। वैसे हमने 7 इंच का नेक ये रेडी रखना है, लेकिन 5 इंच पर एक मार्क करना है और इस तरीके से ये बॉक्स बनाना है, और इसको राउंड की शेप देनी है। अब नीचे जो हमारा नेक रेडी रहेगा, वहां पे हम वी शेप देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वी शेप में हम ये नेक बनाएंगे। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन इसमें लगा सकते हैं, या सिंपल भी आप बना सकते हैं। अब बैक के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर लगाएंगे विड्थ, और जो लेंथ है लेंथ भी हम 2.5 इंच रखेंगे, ज्यादा हम इसमें डीप नहीं बनाएंगे नेक, बैक नेक। और इसकी यहाँ पर कटिंग कर देंगे, इसीलिए हमने जो शोल्डर है वो ज्यादा रखा है, और इसकी जो गोलाई रखी थी वो भी हमने ज्यादा नहीं की है, क्योंकि नेक बिल्कुल ही हमने छोटा रखना है।
तो ये इस तरीके का हमारा फ्रंट नेक आएगा। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स हमारी फुल है यहाँ पर 20 इंच, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। और अब देखिए खुली साइड पर हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क लगाएंगे और आर्म होल के लिए लगा लेंगे 8 इंच और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे 4 इंच हमने स्लीव्स को खुला रखना है, तो आप यहाँ पर मार्जिन 20 में ले लीजिएगा 1 या 1.5 इंच जितना आप लेना चाहें और यहाँ से इसको मिला दीजिए इस तरीके से और ये कटिंग कर दीजिए। ये लीजिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है, फ्रंट आर्म होल की भी यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब हमने यहाँ पर पजामे की कटिंग करनी है, तो पजामे की कटिंग बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी। इसमें बस एक ही सिलाई हमारी आएगी। तो यहाँ पर ये 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है मैंने और यहाँ पे हमारा जो हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर 11 इंच निकल के आया है, ये देखिए। और ऊपर की साइड हम यहाँ पर पहले 4 इंच का मार्क लगाएंगे। और ये 4 इंच हम क्यों लगा रहे हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, क्योंकि इलास्टिक के लिए तो हम 2 या 2.5 इंच लगाते हैं, लेकिन मैंने 4 इंच लगाया है तो आगे चल के बताऊंगी आपको। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, जितनी भी आपकी लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिएगा और यहाँ पर ये 11 इंच पर मार्क करेंगे। और जो आसन लेंगे वो भी हम यहाँ पर 11.5 इंच ले लेंगे, ये देखिए। और यहां से हम गोलाई की शेप दे देंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए, ठीक है। अब यहां से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, बाकी की मार्किंग मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहा है। ये देखिए कटिंग मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब इसको ऊपर की साइड यहाँ से कर लेते हैं और लेंथ का मार्क हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो इस मार्क को भी हम यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। ये यहाँ तक हमारी लेंथ है, हम यहाँ पर फोल्डिंग के लिए ले लेंगे 1.5 इंच और इसको भी सीधा कर लेंगे। अब देखिए जितना हमने इसको खुला रखना है उसके अकॉर्डिंग मार्क लगाएंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर जो सिलाई के लिए रहेगा। तो ये मार्क हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब सेफर पट्टी लेनी है हमने और इस तरीके से इसको रख कर और ये सेफ दे देनी है, ठीक है, ये इस तरह से। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसकी कटिंग हमने कर ली है। बस इसका जो है ऊपर की साइड हमने ये 4 इंच लिया था, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने क्यों लिया था, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर जो बैक आसन होता है उसको एक्स्ट्रा लेते हैं 1 या 1.5 इंच, तो इसमें हम जो एक्स्ट्रा लेते हैं उसके लिए ही मैंने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वरना हम जो इलास्टिक के लिए लेते हैं वो 2 या 2.5 इंच लेते हैं, जैसा मैंने मार्क यहाँ पे लगा लिया है। अब देखिए इसको इस तरीके से तिरछा हमने कटिंग करना है, जो मार्क हमने लगाया हुआ है जो कि 1.5 इंच हमारा इसमें एक्स्ट्रा था, उसको एक साइड से हम कटिंग कर देंगे और एक साइड से इस तरीके से तिरछा ले जाकर यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए इसको मैं फोल्ड करूंगी तो आपको समझ में आएगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये 1.5 इंच हमारा बैक वाला आसन एक्स्ट्रा हो गया है और फ्रंट हमारा जितना हमें चाहिए था उतना ही आ गया है। अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं, तो स्टिचिंग के लिए देखिए फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले इसके शोल्डर को ज्वाइंट किया है, ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी स्टिचिंग भी करेंगे हम। और जो वी शेप में ये हमने कट लगाया था इस पर भी मैंने ये पट्टी लगाकर इसको अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इसका जो राउंड में ये नेक रहेगा इस पर हम उरेब में पट्टी लगाएंगे, ये मैंने पट्टी यहाँ पर कट कर ली है और इसको भी मैंने ये देखिए इस तरीके से अटैच कर लिया है इसमें अंदर की साइड फोल्ड करते हुए, और इस पर मशीन से ही हमने सिलाई लगा दी है, इसमें कोई तुरपाई वगैरह हम नहीं करेंगे। और ये स्लीव्स है हमारी, तो स्लीव्स को यहाँ से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद अब हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे, इसमें फिटिंग की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। और यहाँ से स्लीव्स के सेंटर में हम कट लगा लेंगे और देखिए स्लीव्स को यहाँ पर ज्वाइंट कैसे करना है वो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स यहाँ पर लगाएंगे, तो हमने ध्यान कर रखना है कि जो फ्रंट हमारी जो छटाई होती है स्लीव्स की, तो उसको देखते हुए हमने स्लीव्स को ज्वाइंट करना है। तो ये वाली स्लीव्स हमारी दूसरे साइड जाएगी और जो ये कट लगाया है उसको सिलाई से मिलाते हुए और इस तरीके से हम नाप लेंगे स्लीव्स को आर्म होल पे, ये देखिए। अगर थोड़ा बहुत हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको हम छोड़ देंगे और सिलाई को यहाँ पर लगा लेंगे। तो इसी तरीके से दूसरे वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इसकी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग हमने यहाँ पर की हुई थी कटिंग करते समय, तो यही मार्क मैंने दूसरी साइड पर कर लिया है। और इस तरीके से ये स्लीव्स पर भी मैंने ये मार्क लगा लिया है फिटिंग का, जितनी हमने स्लीव्स की जो मोहरी थी वो खुली रखनी थी उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कस्टमर ने स्पेशली बोला था मुझे कि जो हमारा घेरा रहेगा उसको आप राउंड में बनाइए, मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहा कटिंग के समय। तो अब यहाँ पर हम राउंड की शेप इसमें कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब भी हम इसमें राउंड की शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से मार्क करके हमने कॉर्नर पर 1.5 से 2 इंच और यहाँ पे ये इसकी कटिंग कर दी है। तो ये राउंड में हमारा जो है घेरा आ जाएगा। और अब इसकी फोल्डिंग हमने कैसे करनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी फोल्डिंग करने में ही दिक्कत आती है, क्योंकि राउंड में हो गया तो इसको किस तरीके से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, ये देखिए। और खोलने के बाद ये देखिए, इस तरीके से सिंगल इसको फोल्ड करेंगे। बिल्कुल 1/4 इंच का कपड़ा हमने फोल्ड करना है, डबल फोल्ड नहीं करना है, बिल्कुल सिंगल ही कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और हल्के हाथ से इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे घेरे पर सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एक सिलाई यहाँ पर लगा ली है कंप्लीट दोनों घेरे पर। अब हमने करना क्या है, एक सिलाई अब हम इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि डबल सिलाई हम इस पर लगाते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और राउंड जो हमारा घेरा होता है उसमें झोल नहीं आता है बिल्कुल भी। और देखिए, बिल्कुल ही इजीली जो है हमारी ये दूसरे वाली सिलाई लग जाती है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है और फिनिशिंग भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, दूसरी जो सिलाई है वो भी मैंने यहाँ पर लगा ली है और फिनिशिंग आप देख सकते हैं, ये देखिएगा। तो कंप्लीट टॉप की स्टिचिंग हमारी यहाँ पर हो गई है। और फ्रेंड्स, इसका जो पजामा था उसकी भी मैंने स्टिचिंग कर ली है, ये मैंने आपको इसमें नहीं बताया है क्योंकि उसकी स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर विजिट कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना इजिली जो है हमारा नाइट सूट यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है, ये देखिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में नई वीडियो।